हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज चैप्टर 11 की। फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न। यूज द वेरिएबल टू राइट द रूल्स। तो अभी तक आपने देखा था इसमें कि हम मैचस्टिक से कुछ पैटर्न बना रहे हैं और उससे एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि क्या फॉर्मूला आएगा वेरिएबल की हेल्प से। तो अब इसमें देखते हैं क्या बनेगा। अ पैटर्न ऑफ लेटर टी। अब हमें टी लिखना है। कैसे? एक मैचस्टिक ये लगाई और एक मैचस्टिक ये लगाई हमने, तो कितनी यूज में आई? टू। और कितने लेटर्स बने हैं? वन। अब अगर हम एक और टी लिखेंगे तो कितने हो गए टोटल? टू लेटर्स हो गए। दो और टी लिखा है, मैचस्टिक कितनी हुई? वन टू थ्री फोर। फिर अगेन थ्री हो गए यहाँ पे टोटल लेटर्स और मैचस्टिक हो गई सिक्स। ये है हमारे नंबर ऑफ टी और नंबर ऑफ मैचस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि हर टी के लिए दो मैचस्टिक यूज में आ रही है। तीन है तो छह यूज में आई, डबल टू है तो फोर, मतलब टू एन, मतलब जितने लेटर्स हैं उसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मैचस्टिक आ जाएंगी। जैसे थ्री है, थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स आ गया। तो हमारा यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना? टू एन। एन यहाँ पे क्या है? एन इक्वल टू नंबर ऑफ टी, जितने टी बनाने हैं उसको हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें हमें क्या बनाना है? लेटर जेड। एक मैचस्टिक लगाई, दूसरी और ये तीसरी, मतलब एक जेड के लिए नंबर ऑफ जेड और नंबर ऑफ मैचस्टिक। एक जेड के लिए कितनी यूज में आई? वन टू थ्री। एक और बनाया तो कितने जेड हो गए? टू, और मैचस्टिक हो गई सिक्स। अगेन एक और जेड बनाया तो कितने जेड हो गए टोटल? थ्री, और तीन मैचस्टिक और यूज में आई तो सिक्स प्लस थ्री नाइन। तो यहां पे हम देख रहे हैं थ्री को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? थ्री से। टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया, सिक्स आए, मतलब सबको थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारा नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा? थ्री एन। एन हो गया नंबर ऑफ जेड। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बनाना है? यू। एक ये लगाई, एक ये और एक ये, नंबर ऑफ यू, नंबर ऑफ मैचस्टिक। कितने यू बनाए यहाँ पे? वन। और मैचस्टिक कितनी लगी? वन टू थ्री यूज में आई। अब एक और जब हम यू बनाते हैं तो कितनी हो गए? टू यू, और मैचस्टिक हो गई सिक्स। इसी तरह से यहाँ पे थ्री हो गए और मैचस्टिक्स कितनी हो गई? नाइन। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना हमारा? हम हमेशा क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें तीन तीन यूज में आ रही है तो क्या फॉर्मूला बन गया? 3n, मतलब u के लिए 3n मैचस्टिक चाहिए। n एक वेरिएबल है और यहाँ पे n हो गया नंबर ऑफ u। जितने u हमें बनाने हैं उतनी ही यहाँ पे n की वैल्यू। पार्ट इसमें हमें क्या बनाना है? लेटर v। एक मैचस्टिक, दो मैचस्टिक, नंबर ऑफ v यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ मैचस्टिक। तो कितने वी बने यहाँ? एक वी, और एक वी बनाने के लिए कितनी यूज में आई? वन टू। अब नेक्स्ट है, एक और बनाया, दो वी हो गए, कितनी यूज में हो गई? वन टू थ्री फोर मैचस्टिक। इसी तरह से हम अगर थर्ड बनाते हैं तो कितनी मैचस्टिक हो गई? सिक्स, मतलब जितने भी बना रहे हैं उसमें हमें टू से मल्टीप्लाई करना हो रहा है तभी हमारा
मैच स्टिक का रिक्वायरमेंट पता चल रहा है हमें। यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो गया, 2n, n वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ वी, कितने वी हमें फॉर्म करने हैं वो n की वैल्यू होगी। यहाँ नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें लिखना है ई। ई के लिए हमें बताया गया है किस तरह से लिखना है, एक मैच स्टिक, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हमें ई का फॉर्मेशन करना है। सेम टेबल बना लेते हैं, नंबर ऑफ ई और नेक्स्ट नंबर ऑफ मैच स्टिक। तो इसमें कितना है, ई लिखे हैं 1 और मैच स्टिक कितनी यूज में, 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर एक और ई लिखेंगे तो अगेन 5 मैच स्टिक लगाई और कितनी मैच स्टिक हो गई, टोटल 10। इसी तरह से आगे करते जाएंगे हम। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है क्योंकि हर ई में 5 मैच स्टिक लग रही हैं। तो आंसर हो गया हमारा यहाँ पे 5n, और n क्या हो गया, n वेरिएबल, नंबर ऑफ ई, जितने हमें ई बनाने हैं वो n की वैल्यू होगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यहाँ पे हमें पैटर्न s बनाना है और s के लिए दिया हुआ है किस तरह से बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने 5 मैच स्टिक लगाई है, नंबर ऑफ एस, अगेन सिमिलरली नंबर ऑफ मैच स्टिक। तो यहाँ पे एक लिखा है हमने एस, मैच स्टिक कितनी लगी, 5। अब अगर हम एक और लिखेंगे तो कितनी और लगी, 5 और लग गई, मतलब 10। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है जितने भी नंबर चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा 5n, और n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ s, जितने s बनाने हैं हमें उतनी n की वैल्यू होगी। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें a बनाना है। ए को आप देखिए दो तरह से बना सकते हैं, ऐसे ये 2 मैच स्टिक लगाई, ये 2 लगाई और एक ये लगा दी, एक तरीका ये है बनाने का। लेकिन हम ऐसे नहीं बना सकते इस क्वेश्चन के आंसर में क्योंकि हमें दिया हुआ है कैसे बनाना है, एक मैच स्टिक, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस तरह से हमें ए बनाना है। तो हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे अपना ए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ मैच स्टिक। यहाँ पे एक ए बनाया और मैच स्टिक कितनी यूज में आई, 6। अगर हम एक और बनाएंगे तो अगेन हमें 6 मैच स्टिक यूज में आई, कितनी हो गई, 12। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर को। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 6n, और n इक्वल टू नंबर ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या होगी, जितने हमें a ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।